गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ न्यू फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था डोवोनियर ट्राइड्स, मेंडल न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीफ लॉ, एंड फोर्थ इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करेंगे. मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या थी? अकॉर्डिंग टू द मेंडलीफ न्यू फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल, द एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर. जो पुरानी पीरियड टेबल थी, द एलिमेंट को अरेंज करा था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. लेकिन मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारी प्रॉब्लम आ गई थी कॉपर जिंक जैसे एलिमेंट में. हमने आपको उस समय बोला था कॉपर एटॉमिक मास आपका और जिंक. प्रॉब्लम यहाँ पर चली थी कि एलिमेंटों को हमने उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर रखा था. लेकिन हमें पता है कि कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 और जिंक का एटॉमिक मास होता है 63.3. अगर एटॉमिक मास के बेसिस पर रखा जाएगा तो जिंक इधर आना चाहिए और कॉपर इसके पास जाना चाहिए. बट हमें पता है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और जिंक का कितना होता है 30 होता है, जो पीरियोडिक टेबल को वेरीफाई नहीं कर पाता, पीरियोडिक टेबल को सेटिस्फाई नहीं कर पाता. तो इसी चीज को मॉडिफाइड करके न्यू फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल, मेंडलीफ की लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, उसमें एलिमेंट रखे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. एलिमेंट को किसके बेसिस पर रखा गया था? एटॉमिक नंबर. और आज हम इसी पीरियड टेबल को एक्सप्लेन करेंगे. ये पीरियड टेबल आज भी चलने वाली वही पीरियड टेबल है जिसके बेसिस पर केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया जाता है. द एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. एलिमेंट को किसके बेसिस पर रखा गया था? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा गया था. ठीक है, जिसकी इस पीरियड टेबल की स्पेसिलिटी क्या थी, पहले आपको स्पेसिलिटी एक्सप्लेन करें और इस पूरी पीरियड टेबल को मैं आज एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले इस पीरियड टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने बताया था द एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. ये बात समझ में आ गई. देन एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा गया तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आया? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 था. देन आफ्टर सेकंड एलिमेंट शुड बी हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है. देन आफ्टर दैट इज लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन 5, कार्बन 6. This is 7, this is 8, this is 9, this is 10, this is 11, same way this is 12, this is 13, this is 14, this is 15, this is 16, this is 17, this is 18. ठीक है, इस तरह से हमारे एलिमेंट रखे गए हैं. दिस इज 19, दिस इज 20, दिस इज 21, 22, 23, 24, 25 आपका आता है क्रोमियम, 20 क्रोमियम होगा आपका 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, एंड द जिंक इज, जिंक आपका 30. अब पूरी पीरियड टेबल तो मैं यहाँ पर बना नहीं सकती क्योंकि आपको पता है पीरियड टेबल में 118 एलिमेंट है. ठीक है, बट आपको मैं पीरियड टेबल को समझाती जरूर हूँ. देखिए, एलिमेंट शुड बी अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, आपको देख लिया 30 तक मैंने बना के दिखा दी. सबसे पहले उसने पीरियड टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, पीरियड्स एंड ग्रुप. फर्स्ट इज द पीरियड एंड सेकंड इज द ग्रुप. हॉरिजॉन्टल कॉलम इज नोन एज द पीरियड्स. जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम जो दिख रहे हैं उन्हें उसने क्या कहा? पीरियड्स. और जो वर्टिकल कॉलम जो दिख रहे हैं उनको क्या कहा? ग्रुप. हॉरिजॉन्टल कॉलम जो आपका पीरियड है, ये दिस इज, ये हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स रखे हैं वो पीरियड्स हैं. और ग्रुप आपके कितने हैं? ग्रुप आपके जो वर्टिकल कॉलम्स रखे गए उनको क्या कहा? ग्रुप का. ठीक है, पीरियड्स कितने थे टोटल मिला के? 18 पीरियड कहा उसने. उसने कहा पीरियड टेबल में कितने पीरियड्स होंगे? 18 पीरियड. और ग्रुप की संख्या कितनी होगी? 7. ग्रुप की संख्या कितनी होगी? 7. तो 18 पीरियड है या नहीं चेक करते हैं. देखिए, दिस इज 1 फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, अच्छे यहाँ पर 17 नीचे रह गया था और ये हो गया 18. टोटल मिला के कितने हो गए? 18. टोटल मिला के हमारे पास कितने पीरियड है? 18. फिर से डिस्कस कर रही हूँ. दिस इज 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. जिनके नीचे लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, स्पेस नहीं था. फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18. टोटल लगे कितने पीरियड है? 18 पीरियड है. ग्रुप इज 7. 7 ग्रुप है. कौन कौन से? हीलियम, नियॉन पहला फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
ठीक है, फोर्थ पीरियड तो मैंने बना रखा है आपको, वैसे भी पीरियड टेबल पढ़ने के लिए आपको अपने सामने पीरियड टेबल को रखना पड़ेगा। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मिला के कितने पीरियड, कितने ग्रुप आपके, 7 ग्रुप। ओके तो 18 पीरियड हो गया आपके, 7 ग्रुप हो गए। लेकिन पीरियड टेबल को ऐसे याद तो किया नहीं जा सकता, तो इस पीरियड टेबल को और इजी करने के लिए उसने पीरियडिक टेबल को आपको SPDF चार ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया। तो पहले तो आपको मैंने बताया कि पीरियड टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पीरियड्स एंड ग्रुप। ठीक है, 18 पीरियड्स हो गए और 7 ग्रुप हो गए, 7 वर्टिकल कॉलम ग्रुप हो गए। उसके बाद पीरियड टेबल को और इजी करने के लिए उसने चार ब्लॉकों में बांटा, कौन कौन से, इनको मैं इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, इरेज करके ही आपको ये चीज सेटिस्फाई हो पाएगी आप लोगों से कि कैसे करा था उसने, उसको कितने ग्रुपों में, उसने क्या करा पीरियडिक टेबल को इसके बाद चार ब्लॉकों में बांट दिया, कौन कौन से ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देखिए सबसे पहली बात, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जो चार के चार ब्लॉक हैं, याद रखिएगा पहली बात, ये स्मॉल इनका स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ रहेगा। कैपिटल एस और पी और कैपिटल डी और कैपिटल एफ, कैपिटल एस और पी का मतलब अलग होता है और स्मॉल का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने देखो स्मॉल पी, स्मॉल एस, स्मॉल डी और स्मॉल एफ का यूज करा है। तो SPDF चार ब्लॉक में बांटा। अब SPDF चार ब्लॉक में बांटने से पीरियड टेबल और इजी हो गई। क्यों हो गई, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने पहले जो स्टार्टिंग के वर्टिकल्स कॉलम थे, इसको उसने क्या कहा, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये दो एलिमेंट कौन से ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट कहने के पीछे लॉजिक ये था, द लास्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी एंटर इन द एस सबसेल। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता, एस सबसेल में एंटर करता। ये एलिमेंट वो थे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता था। आप एक चेक करके देख सकते हैं, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही हो गया, लिथियम को ले लीजिए, लिथियम एटम नंबर 3 है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा 1s1, ठीक है 2s, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपको लिथियम का बनाना है, सॉरी लिथियम का बनाना है, तो ये हो गया आपका 1s2 और 2s1। इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें कर रहा है, एस में एंटर। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के दो कॉलम्स को उसने क्या कहा, एस ब्लॉक कहा। ठीक, देन आफ्टर ये आपके जो 6 बन गए हैं इनको उसने क्या कहा, पी ब्लॉक कहा। ये जो एलिमेंट है इनको कौन सा एलिमेंट कहते हैं आपके, पी ब्लॉक एलिमेंट, किसी को भी ले सकते हैं। पी ब्लॉक के पीछे कहने के पीछे लॉजिक ये था, द लास्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी एंटर इन द पी सबसेल। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है, पी सबसेल में एंटर करता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने बोरोन को लिया, तो बोरोन का एटम नंबर 5 है, तो दिस इज 1s2 2s2 2p1, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा, पी में एंटर कर रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक, देन आफ्टर हम मूव करेंगे नीचे, उसने जो एलिमेंट कहे, कुछ एलिमेंट आप देख रहे हो, कुछ एलिमेंट आपके रखे गए हैं नीचे इन एस और पी के बीच में। पीरियड टेबल पढ़ते थे बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए पीरियड टेबल को सामने रखकर चलना। एस और एस ब्लॉक एक तरफ था, पी ब्लॉक एक तरफ था, उन दोनों के बीच में कुछ एलिमेंट रखे गए हैं, उसे उन्होंने कौन से ब्लॉक के एलिमेंट कहा, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहा, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा। डी ब्लॉक के एलिमेंट, एस हमारा कंप्लीट हो गया, पी कंप्लीट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट कहा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहने के पीछे लॉजिक ये था, फिर वही बात आई है कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करा था, डी सबसेल में एंटर करा था, इसलिए इनको कौन से ब्लॉक के एलिमेंट कहा, डी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट ही ले लेते हैं, स्कैंडियम चेक कर लेते हैं, स्कैंडियम एटम नंबर 21 है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, अब ये देखो आप चेक करिए, ये 21 से 30 तक है, 21 से 30 तक मतलब हो गया 21 और 30, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स इनके बीच में ये जो कॉलम्स होंगे, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है आपके एस और पी के बीच में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, वो टोटल मिला के कितने कॉलम्स है आपके, 10 कॉलम्स है। और 10 कॉलम्स होने के पीछे लॉजिक भी ये है कि आप सोचोगे 10 ही क्यों रखे गए, 10 करने के पीछे लॉजिक ये है कि आपको पता है जो डी सबसेल होती है, ठीक है, डी सबसेल में टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तभी तो नई सेल यूज होगी अकॉर्डिंग टू द ऑफवा प्रिंसिपल। अगर हमें ऑफवा प्रिंसिपल को फॉलो करना है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिंगली इलेक्ट्रॉन जब भर जाएंगे एक सबसेल में तो नेक्स्ट सेल यूज होगी। तो इसीलिए ये टोटल मिला के कितने एलिमेंट रखे गए, 10 एलिमेंट को बीच में रखा गया, ठीक है। और बाद में इन एलिमेंट के जो एलिमेंट रखे गए ना वो बिल्कुल सेटिस्फाई भी हुए, ठीक है, अभी वो डिस्कस किया जाएगा। अब बात आती है, हमारा एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया और एफ ब्लॉक की बारी आई है।
ठीक है, क्वेश्चन उठता है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट का है, तो पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से बाहर रखे गए हैं, कौन से, 57 से लेकर 71 तक, लैंथेनियम से लॉरेंसियम तक जो है पहले, ठीक है, लैंथेनियम टू लॉरेंसियम 57 से 71 तक के एलिमेंट जो है बाहर रखे गए हैं। बाहर रखने का मतलब उनको उनको बाहर रखने के पीछे लॉजिक क्या होगा, बाहर रखे गए हैं कि उन एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं था क्या, स्पेस तो है, एक्चुअल में ये एलिमेंट डी ब्लॉक से बाहर निकाले गए हैं 57 से 71 और 90 से 103 तक के एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है, लैंथेनियम से लॉरेंसियम हो गया, ठीक है, एक्टिनियम से आपका आगे का एलिमेंट जो आते हैं वो आपके 103 तक बाहर के गए, तो इन एलिमेंट को हमने उठा के बाहर रखा गया है, इनको इसलिए बाहर रखा गया है कि आप ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एलिमेंट भी 14 है और ये एलिमेंट भी 14 है, इन 14 एलिमेंटों को उठा के बाहर रखा गया। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि 14 एलिमेंटों को बाहर क्यों रखा गया, फिर वही बात फॉलो होगी, आपको पता है एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन जब भर रहे हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब जब 14 भरेंगे तभी तो नई सबसेल यूज होगी, तभी तो नेक्स्ट सबसेल यूज होगी, इसलिए 14 एलिमेंटों को उठा के बाहर रखा गया, ठीक है। लॉजिकली मैं आपको ये बता दूं कि 14 को बाहर क्यों रखा गया, पहले फिलहाल मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ कि इनको उसने कैसे डिवाइड करा, तो पहले हमने बताया पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइड करा, फिर मैंने डिस्कस करा कि इनको चार ब्लॉकों में डिवाइड करा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवाइड करा, ओके, देन और पीरियड टेबल को और इजी करने के लिए, पीरियड टेबल को और इजी करने के लिए उसने एलिमेंट को और अलग अलग नाम दिए, अलग अलग सब कैटेगरी में डिवाइड करा। अब वो क्या है देखियो, मैं आपको समझाती हूँ हल्का सा, ये थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ, कैसे देखिए, अब आपसे मैं कहूंगी एस ब्लॉक के एलिमेंट, तो आपको इतने सारे एलिमेंट तो याद नहीं हो पाएंगे, तो पीरियड टेबल में उन एलिमेंट को, एस ब्लॉक के एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हाँ इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया, जिसमें से पहले वाले को कहा गया एल्किली मेटल, फर्स्ट वाले क्या कहलाते हैं, एल्किली मेटल्स, एल्किली मेटल्स, ठीक है, और दूसरे वाले कहलाते हैं एल्किली अर्थ मेटल, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ एल्किली अर्थ मेटल, ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो कॉलम, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है उसको कहते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाले को उसने क्या कहा एल्किली मेटल, फर्स्ट वाले को उसने क्या कहा एल्किली मेटल और सेकंड वाले को क्या कहा एल्किली अर्थ मेटल। एल्किली मेटल कहने के पीछे लॉजिक क्या है, दिस शोन द एल्किलीन प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, एल्किली का मतलब आप समझते हो बेसिक, दिस शोन द एल्किली प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एग्जांपल लेके चलती हूं, इस ब्लॉक के ये आपके जो वर्टिकल कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको उसने कहा एल्किली मेटल, तो एल्किली मेटल कहने के पीछे लॉजिक है, सबसे पहले आते हैं मेटल्स है, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन इज द एक्सेप्शनल केस, आपको पता है हाइड्रोजन की बात बाद में डिस्कस करी जाएगी, हाइड्रोजन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द पीरियड टेबल और आज भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के अब आप बात करेंगे मेटल्स, तो देखिए सोडियम मेटल से, पोटेशियम मेटल है, रुबिडियम मेटल है, सीजियम मेटल से और फ्रांसियम मेटल है, इसके नीचे जो एलिमेंट है सबके सब मेटल्स है। एल्किली, एल्किली होने का मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, तो आप एनए को देख लो, एनएओएच, केओएच, आरबीओएच, तो पीरियड टेबल की स्पेसिलिटी तो यही थी ना कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी नीचे के एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, तो ये सबके साथ कौन सी प्रॉपर्टीज को करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी, तो ये क्या है आपके एल्किली प्रॉपर्टीज को करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको एल्किली मेटल। सेकंड वाले को कहा एल्किली अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, एल्किली तो है बट अर्थ मेटल, अब आप सोचेंगे अर्थ मेटल दे आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, बेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए कैसे, चूना कहां से ऑब्टेन होता है अर्थ क्रस्ट से, सो दिस इज द एल्किली अर्थ मेटल, इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है एल्किली अर्थ मेटल, प्रॉपर्टी बेसिक होगी और लेकिन अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होता है इसलिए हम इनको क्या कहते हैं एल्किली अर्थ मेटल, ठीक। नेक्स्ट उसमें फिर यहां पहुंचेंगे पी ब्लॉक को, पी ब्लॉक को भी फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड करा गया जिसमें सबसे लास्ट वाले कहलाते हैं आपका ये एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड अप होता है, दीज आर नोन एज द इनर नोबल गैसेस या इनर एलिमेंट, नोबल गैसेस, नोबल्स गैसेस है या इनर्ट एलिमेंट, ठीक है, इनर्ट एलिमेंट, द इलेक्ट्रॉन शुड बी कंप्लीटली फिल्ड, इनका इलेक्ट्रॉन क्या होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, इसमें हीलियम, इसमें एलिमेंट होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड अप होता है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होता है, तो इसमें क्या कहता है इनर्ट गैस, इनर्ट का मतलब दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इनर्ट डू नॉट टेक पार्ट, ओके, उससे इनर्ट गैस से पहले जो प्रीवियस होता है, ये इनर्ट गैस कौन सा होगा 18 ग्रुप के एलिमेंट होगा, ठीक है, 18 ग्रुप से पहले जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज द हैलोजन्स, इनको हम क्या कहते हैं हैलोजन्स, व्हाई दीज आर नोन एज द हैलोजन्स, हैलोजन्स का मतलब था हैलोजन्स, हैलोजन्स का मतलब होता है ये मोस्टली इनको कहते हैं, इनको ये होते हैं आपके सी सॉल्ट फॉर्मिंग,
सी सॉल्ट फॉर्म, ये यानी कि मोस्टली कहां से ऑब्टेंड होते हैं, सी से, समुद्र से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब होता है हैलोजेंस, हैलो जो सी से ऑब्टेंड होता है, समुद्र से ऑब्टेंड होता है। आप देख लीजिए ब्रोमीन एल्गी से ऑब्टेंड होता है, आयोडीन नमक कहां से होता है, समुद्र से उत्पन्न होता है। तो ये आपके क्या होता है, सी सॉल्ट फॉर्मिंग, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, हैलोजेंस। ये हमारे क्या हो गए, हैलोजेंस। हैलोजेंस यानी कि 17 ग्रुप के एलिमेंट। अब पहुंचेंगे हम 16 ग्रुप के एलिमेंट की तरफ। ये हमारे 16 ग्रुप के एलिमेंट है जो हमारी ऑक्सीजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली कहिए, या इनको कहा जाता है कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस मतलब होता है ओस फॉर्मिंग, जिसमें एलिमेंट ओस्टेसिटी हो, इसमें जो एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेरेनियम और पोलोनियम, ये होता है कैल्कोजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैल्कोजन। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओस फॉर्मिंग। कैल्कोजेंस हमारा जो केमिस्ट्री में वर्ड आया है, जैसे हैलोजेंस का मतलब होता है, मैंने लिखा था सी सॉल्ट फॉर्मिंग, कैल्कोजन का मतलब होता है, कैल्कोजेंस मतलब होता है आपका ओर्स फॉर्मिंग। इनसे मोस्टली ओर्स बनते हैं। आप देख लीजिए ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन इज द मेन एलिमेंट ऑफ द दिस ग्रुप, और इससे ओर्स, ऑक्सीजन के ओर्स बनाए जाते हैं, हर चीज में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ओर्स फॉर्मिंग। फिर आप क्या पहुंच जाते हैं 15 ग्रुप में, ठीक है। 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, न्यू नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इसमें ये एलिमेंट्स होते हैं, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली नॉर्मल लैंग्वेज में, और अदरवाइज इसको कहा जाता है पिनिकोजन। पिनिकोजन आपका मतलब हुआ पी, पिनिको इसका मतलब होता है पिनिकोजन। और पिनिकोजेंस क्या है, पिनिकोजेंस का मतलब होता है ग्रीक वर्ड पीजन से बना हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ इसको, पीजन से बना हुआ है, ये आपका वर्ड है पीजन, PEGON, पीजन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चौक, चोक, चोक कर देना कहते हैं किसी को, या स्टिफल कर देना, ठीक है, स्टेबल कर देना, कहने का मतलब क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन शोन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वाली फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसका अर्थ है पीजन से निकला हुआ है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, पीजन से निकला हुआ है, पीजन का मतलब था चोक करना या स्टिफल कर देना, स्टिफल कर देने का मतलब हो गया किसी, स्टिफल करने का मतलब है जैसे नाइट्रोजन स्टिफल प्रॉपर्टी शो करता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मतलब हो गया, वैसे तो नाइट्रोजन रिएक्टिव होता है, बट ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो नाइट्रोजन होता है इट इज नॉन रिएक्टिव। आप तभी तो इसलिए नाइट्रोजन का यूज हमारे चिप्स के पैकेट में किया जाता है, अगर नाइट्रोजन का यूज हम चिप्स के पैकेट में नहीं करेंगे तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, इसीलिए नाइट्रोजन इज द नॉन रिएक्टिव गैस। नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस होती है क्योंकि नाइट्रोजन हमारी स्टिफल प्रॉपर्टी शो करती है, और नाइट्रोजन हमारे कौन से बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एंड टू ब्रेकिंग द बॉन्ड वी नीड द मोर एंड मोर एंड मोर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट शुड बी नॉट रिएक्टिव गैस, ठीक है। हम इसके बाद आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट पीरियड की तरफ, दिस इज द 14 पीरियड एंड देन 13 पीरियड, इसको नॉर्मल 14 पीरियड ही कहते हैं। इसमें जो एलिमेंट होता है कार्बन सिलिकॉन गैलेनियम टिन और लेड, ठीक है। उसके बाद हमारे इसको कोई नाम नहीं दिया गया, ये हमारे एलिमेंट ऐसे ही रखे गए हैं। फिर उसके बाद 14 हम आप पहुंचेंगे 13 ग्रुप की तरफ को, ठीक है, ये भी इनको, इसको भी केवल 13 ग्रुप के नाम से जाना गया है। तो हमने आज आपको डिस्कस करा एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट, अब बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो बीच में रखे हैं, निकिल, निकिल हो गया आपका 28, 26, 27, 28, 29 कॉपर और जिंक, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रही मैं आपको। तो अब बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक को क्या कहा गया, इनको कहा गया ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से इनको जाना गया। ये एलिमेंट्स हमारे किस नाम से जाने आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने एस ब्लॉक डिस्कस कर दिया, पी ब्लॉक डिस्कस कर दिया, अब बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट को कॉमनली दीज आर इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब है, द वर्ड ऑफ ट्रांजिशन मीन्स दे शोन द वेरिएबल प्रॉपर्टीज, ट्रांजिट प्रॉपर्टी, चेंज प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा ट्रांजिट कैन,
ट्रांजिट कैंप से समझो, ट्रांजिट कैंप जो एक जगह पे स्टेबल नहीं होते, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, ये एलिमेंट इधर उधर ही जाते हैं। इनके जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, टिन की प्रॉपर्टी, लेड की प्रॉपर्टी, मैंगनीज की प्रॉपर्टी, आयरन की प्रॉपर्टी, कॉपर की प्रॉपर्टी, जिंक की प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी एक नहीं होती है। इट्स शोन द वेरिएबिलिटी, ये क्या दिखाते हैं, वेरिएबिलिटी शो करते हैं, इसलिए ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे वो एलिमेंट जो बाहर पीरियड टेबल से बाहर रखे गए हैं, जिसमें पहले बोला हमारे लेंथ लेंथ, जिसने पहले हमारे जो एलिमेंट है 57 से 71 जो हम बोलते हैं, जो हमारा होता है लैंथेनियम और ये हमारा होता है ल्यूटेरियम। ठीक है, 57 से 71 तक के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम कहते हैं लैंथेनाइड्स, इनको हम क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड्स, इनको हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स कहने के पीछे लॉजिक ये है कि ये एलिमेंट कहाँ से रखे गए हैं, लैंथेनियम से स्टार्ट है, इसलिए इनको क्या कहते हैं लैंथेनॉइड्स, और टोटल मिला के 14 एलिमेंट होंगे, काउंट करिएगा। तो उसके बाद हो गया एक्टिनियम, इसके बाद जो एलिमेंट होते हैं 90 जो होता है एक्टिनियम, ठीक है, एक्टिनियम से लेके 103 तक के एलिमेंट होते हैं। 103 में कौन सा होता है, एक्टिनियम जो हमारा है, अगर आप करेंगे तो ये हो गया, ठीक है, इस तरह से जो एलिमेंट रखे गए, ये एलिमेंट है, मैं एलिमेंट यहाँ पर दिखा नहीं सक रही हूँ, तो फिलहाल इसको इरेज कर दी यहाँ पर, अभी आपके इतने सारे एलिमेंट यहाँ पर आ नहीं पा रहे, तो 90 से 103 तक के जो एलिमेंट आते हैं, ये एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये एलिमेंट हमारे किस नाम से जाने जाते हैं, एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एक्टिनियम से। ये एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एलिमेंट किस नाम से जाने जाते हैं, एक्टिनाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा था जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद भी पीरियड टेबल को और इजी करा गया, और इजी कैसे किया गया, इसमें ये तो आपके ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन थी, अब आपको पता है इसमें टोटल मिला के कितने, आपके पता चल गया कि इसमें टोटल मिला के कितने हो गए, 18 पीरियड हो गए और ग्रुप बच गया 7 ग्रुप। अब इन 7 ग्रुपों को कैसे याद करेंगे, ठीक है, 7 ग्रुपों को याद करने का तरीका या 7 ग्रुपों को डिफाइन करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।